देखा, देख लो गाइस मेहनत करने वाले की हार कैसे होती है। 140। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। एक फिर से धमाकेदार आपके लिए वीडियो, एक धमाकेदार आपके लिए ड्रैग रेस लेके आ चुका है, जिसमें कि हमारे पास है न्यूली लॉन्च 2024 एडिशन की N160। और उधर ही आप देख सकते हैं कि एकदम खूबसूरत सी बाइक हमारी MT15 खड़ी है भाई, यामाहा की MT15। और गाइस इन दोनों की एक हम दोनों करने जा रहे एक ड्रैग रेस, सबसे सेफ रोड आगरा एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। लेटेस्ट बाइक है N160, जो हमारी लेटेस्ट बाइक है, पावर की भाई बहुत तगड़ी भाग रही है, बहुत तगड़ी। और उधर ही हमारी MT जो है भाई, MT तो आप जानते हैं यमहा का इंजन, मतलब मजबूत इंजन भाई, जितना भी दौड़ा लो भाई वो दौड़ेगी कायदे से। और गाइस इधर जैसे कि इसमें मैं बात करूँ तो इसमें तीन मोड आपको मिल चुके हैं, जैसे कि रोड मोड है, एक ऑफ रोड मोड है और एक रेन मोड है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ मिल चुका है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इंजन ऑफ इंजन ऑन का भी सब कुछ शो कर रहा है। उधर ही हमारी MT15 की बात करूँ तो इसमें भी एकदम नॉर्मल सा डिजिटल मीटर मिल जाता है, जैसे स्पीडोमीटर होता है आपका, फ्यूल और गियर और आपका एवरेज और किलोमीटर और रेस सब कुछ इसमें शो करता है भाई, एकदम खतरनाक बाइक है। ये भी लुक में बहुत ज़्यादा मेरे को प्रीमियम लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस चलिए मिलते हैं टायर को बाइक पे, देखते हैं दोनों बाइक में से कौन सी जीतती है, कौन सी दोनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट है, क्या N160 2024 एडिशन वाली फास्ट है या हमारी MT15 यामाहा की फास्ट है। चलिए मिलते हैं टायर को बाइक पे। MT15 में टॉर्क कम है इसके मुकाबले में। तो गाइस N160 शुरू, फिर भी MT15 VVA टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तेज निकलती है। और एक डिसएडवांटेज और मिलने वाला है N160 को कि ये 5 गियर के साथ आती है और वो 6 गियर के साथ आती है, तो ये डिसएडवांटेज तो भाई यहाँ N160 को फेस करनी पड़ेगी हर उसमें, जैसा देख सकते हो आप भाई, बहुत मौजे से MT15 निकलने बाद में ही पीछे हो गई। और MT में हम सिर्फ 5 गियर ही डालेंगे, और बस 5 गियर के बाद 6 गियर नहीं डालेंगे, और देखना गौरव पीछे ही रहने वाला है। N160 की कोई औकात नहीं है MT की आगे, भले 1,62,000 की आती तो क्या हुआ। ये मौका दे रहा है मुझे, जाओ तो निकलते हैं और देखते हैं कितनी देर में MT15 हमें पकड़ पाती है। बहुत तेज निकल गए गाइस हम लोग तो, गौरव को मौका दे देता हूँ, भगाओ गौरव जितनी दम होती भगा लो आज। और मैं 5th गियर के साथ अब बैठ के भगाऊंगा, टक भी नहीं होऊंगा, और कहीं टक और MT15 अभी तक आ नहीं पाई है, जैसा देख सकते हो आ रही है मगर बहुत तेज। MT15 मेरे पीछे लगी हुई है, ये रही MT15 भाई, हो गया तो ये फासला तुरंत मिट जाएगा। फिर से गेट आ गई है तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, निकल गई है बहुत तेज, मोए मोए हो गया है MT15 N160 का यहाँ पर। भाई साहब तावड़ भाग रही है भाई MT15 भी, N160 तो भैया एयर पांच ही गियर पे है भाई गाइस MT। हमने सोचा गियर तो बराबर कर ले, 6th गियर में कोई फ़ायदा नहीं, MT पूरा स्मूथ कर देगी, MT हरा देगी, तो इसलिए मैंने 5 गियर ही रखे हैं। कूल्ड इंजन है इसमें, उसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो यार थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो देखने को मिलेगा ही, बस 5 cc कम है MT15 N160 के मुकाबले, देख सकते हो। गियर डालूंगा ही नहीं, 127-128 भाग रही हो भाई, पीछे है N160 समझ लो, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा N160 की टॉप स्पीड क्या है। तो गाइस जैसा आपने यहाँ पे देखा
कैन 160 के फट के चौराहा हो चुकी है। ये देखो मैंने सिर्फ 5 ही गियर डाले थे, 6 गियर निकाला था। सुगैर जैसा आपने देखा कि अंकित भाई बता रहे कि 5 ही गियर उन्होंने एमटी में लगाया, फिर भी MT15 N160 को धूल चटा रही है बहुत कायदे से। तो देख ही सकते हो कि भाई लुक्स वाइज तो यार N160 भी उतनी ही खतरनाक लगती है जितनी MT15 लगती है। क्या आपकी क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है N160 को लेके और MT15 को लेके। तो चलो एक बार राइडर स्विच करते हैं, राइडर स्विच करके भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट होने वाले हैं। तो चलो चलो अंकित भाई राइडर स्विच करते हैं। N160 को आप तो चलिए शुरू करते हैं, जाओ जा जो बाय बाय। तो गाइस भगाने दो, N160 को मौका तो मैंने बहुत दे दिया है, अब देखते हैं पकड़ पाते हैं उसे कि नहीं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। फिफ्थ गियर में कर रही है ये 120। आज N160 MT को हरा तो नहीं पाऊंगा पर कोशिश तो कर सकता हूँ ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, सुना होगा बट आज देख लो कैसे हार होती, ये भी देख लो। MT में भाई 5 गियर डाले थे मैंने, 728। आप पकड़ते हैं उसे, चिमगांडा भाग रहा बड़ी तेज, लेकिन ये नहीं पता इसे कि MT15 है ये, 155 सीसी का किंग नेकेड में, फेयर्ड में R15, 140 जा चुके हम, 140। तो 5 गियर में N160 आगे नहीं निकल पा रही थी भाई, ये समझो भाई, समझ गया ना भाई इस बात को। चलो तो ठीक है, बताना नहीं किसी को, शांत रहना। अभी देखना बिल्कुल धुआंधार MT लेते हुए आ रहा पीछे, देखा देख लो गाइस मेहनत करने वाले की हार कैसे होती है। 141 42, बाय बाय। बहुत प्यार से हरा दिया भाई मैंने N160 को, देख सकते हो। क्या हुआ मेरे लाल, जीत नहीं पाए, इतना मौका दे दिया फिर भी। बता तो रहे मेहनत करने वाले की आप लोगों ने देखी। नहीं कहते ना सबर का फल मीठा होता है, लेकिन हमें मीठा मिला ही नहीं आज तक। सो गाइस जैसा आपने देखा इससे प्यारा सनसेट तो कभी नहीं देख सकते हो भाई, सनसेट के साथ में आपको ड्रैग रेस इतनी खतरनाक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपने जो रिजल्ट देखे भाई कि MT15 हर तरह से जो है पावरफुल है N160 के मुकाबले में, फर्स्ट राउंड में भी आपने देख लिया, सेकंड राउंड में भी आपने देख लिया कि भाई कोई भी जो है यहाँ पर टुक नहीं है इस बैटल में। MT15 भाई जो है पावरफुल है, N160 जो है कमज़ोर है उसके मुकाबले में, क्योंकि एयर कूल्ड है वो लिक्विड कूल्ड है VVA टेक्नोलॉजी के साथ में, इसमें कोई टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलती है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।